प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बड़ी बातें आपने पीएम मोदी के मुंह से खुद सुनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा है कि उनकी राय में देश में केवल चार ही चीजों पर महत्वपूर्ण फोकस किया जाएगा, युवा, महिलाएं, किसान और गरीबी। और इसी को ध्यान में रखते हुए बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस समय भी। तस्वीरों में आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं और यहां उनके साथ राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण मौजूद हैं। बड़ा दिन आज बीजेपी के लिए। आज अब से थोड़ी देर पहले घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, संकल्प पत्र। 2014 में आपने देखा सबका साथ सबका विकास, 2019 में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और 2024 की थीम मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी का जो आपने ये अभी घोषणा पत्र सुना है पीएम मोदी के माध्यम से, उसमें बड़ी बातें और पूरा फोकस जो है वो देश के विकास से ही जुड़ा हुआ है। देश का विकास, देश का उत्थान बीजेपी की प्रमुखता है। तस्वीरें सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से। हमारे सहयोगी अनूप और जानकारी इस पर देंगे, जिन्होंने नजर बनाए रखी है आज बीजेपी के इस घोषणा पत्र पे। अनूप, बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं, और देखिए उन्होंने ये कहा है कि 2024 का ये घोषणा पत्र है, ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला घोषणा पत्र है। ऐसा कोई क्षेत्र बीजेपी की तरफ से नहीं छूटा है जहां घोषणा, जहां उम्मीद ना जताई गई हो। अनूप, तो तकनीकी खराबी की वजह से आवाज खराब आ रही है। अनूप, मैं आऊंगी आपके पास। बहरहाल तस्वीरें दिखा देते हैं बीजेपी मुख्यालय से आती हुई। आज रविवार, और रविवार के दिन बीजेपी ने अपना ये घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसका इंतजार लंबे समय से था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है बीजेपी का ये संकल्प पत्र देश को आत्मनिर्भरता की ओर लेकर जा रहा है। पीएम मोदी के द्वारा कही गई बड़ी बातें जिन्हें आज पूरे देश ने सुना है, पहले चरण के मतदान से पहले, ठीक 5 दिन पहले 19 तारीख को पहले चरण का मतदान, उससे पहले पीएम मोदी ने घोषणा पत्र जिस पर बड़ी बातें कही, और देश के हर वर्ग के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर कहा है, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, गरीबी हो। देश के उत्थान, देश की तरक्की, देश के विकास से जुड़े हुए बीजेपी के घोषणा पत्र को आज पेश कर दिया गया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के माध्यम से इस संकल्प को पूरा करने का जो रोडमैप तैयार किया, ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश से दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कद्दावर नेता, बीजेपी मुख्यालय से दिल्ली तस्वीर आता सीधा नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं बीजेपी मुख्यालय में। अनूप हमारे सहयोगी इस समय मौजूद है और जानकारी लाइव हमारे साथ मौजूद है। अनूप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना और ये घोषणा पत्र जिसके ऊपर लंबे समय से देशवासियों की निगाहें थी, ये जानना जरूरी था कि इस बार कितना अलग बीजेपी का घोषणा पत्र रहता है, और कई बड़ी बातें पीएम मोदी की तरफ से कही गई हैं। लेकिन अगर सब बातों का विश्लेषण आप निकालें, इनको समराइज करें, तो देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला ये घोषणा पत्र है, पीएम मोदी ने कहा है। बिल्कुल, ये जो घोषणा पत्र है उसमें साफ तौर से जहां एक ओर गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए इसमें रखा गया है, आपको सीधे देखिए, अभी हमारे साथ प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी, इनसे जानते हैं। ये बताइए कि जिस तरह से घोषणा पत्र हुआ है, सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ है, क्या खास देखते हैं? सबसे बड़ी बात है जो महिलाओं को लेकर कहा प्रधानमंत्री जी ने कि हम देश के अंदर 3 करोड़ बहनों को हम लखपति दीदी बनाएंगे, 1 करोड़ को बना दिया, 3 करोड़ को बनाएंगे, और हां, सिर पे छत मकान 4 करोड़ से बढ़ाकर अब 3 करोड़ और जोड़ दिए गए, ये बड़ी बात है।
देखिए जिस तरह से आप इन्होंने कहा, वाकई आदि के वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी, ये दो ऐसे मसले हैं जिसको लगातार बीजेपी कहती रही है कि इसको शामिल कराया जा सकता है। हमारे सचिव मौजूद, इनसे जानते हैं। सर ये बताइए कि आज जिस तरह से संकल्प पत्र आया है, क्या महत्वपूर्ण देखते हैं इस संकल्प पत्र? देखिए जी के नेतृत्व में अनेकों योजनाओं का लाभ मिला है, इन योजनाओं को और विस्तार किया जाएगा। इसके महिलाएं जुड़ी हैं उनको अनेकों काम करने के अवसर और ट्रेनिंग प्रदान किए जाए, जैसे टूरिज्म अवसर प्रदान किए जाए, तो इनकी संख्या भी 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ की जाएगी। और एक नए भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मैं आपको दिखूंगा, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए संकल्प पत्र में बहुत कुछ है। आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, देखिए यह समझना होगा कि जब चारों ओर देश में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है, कांग्रेस मोदी सरकार खर्च कर रही है, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च कर रही है तो उसमें रोजगार के असर उत्पन्न होते हैं। हमने टूरिज्म को प्रमोशन प्रोत्साहित किया जाए, उसे रोजगार के अवसर ही उपलब्ध होते हैं। कांग्रेस ने आरोप की इस 5 साल में यूसीसी पूरे देश में लागू हो जाएगा, देखिए यह कहा कि उसके लिए हम प्रतिबद्धित हैं। और यह जो है अवश्य रूप से इसके लिए प्रतिबद्धित है, पूरा होगा। धन्यवाद अरुण सिंह जी। देखिए जिस तरीके से लगातार जो कोर इश्यूज है उसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस संकल्प पत्र में शामिल किया है, एक तरफ जहां गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाताओं के लिए इस संकल्प पत्र में होगा रखी गई है, इसके अलावा किस तरीके से विकसित भारत को ग्लोबल लीडर के तौर पर भारत जो है वो दुनिया में स्थापित हो, इसको लेकर।